चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों हमारे चैनल के तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आने वाला समय जो है आपके लिए मंगलमय हो और शुभ हो, खुशी से आपका जीवन भर जाए। 2024 आने वाला है और शुरू हो चुका है, तो इस 2024 के शुभ अवसर पर अपने चैनल के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ और आपका जीवन आने वाले टाइम में और भी बेहतर बने। देश भर में कोरोना के 797 नए केस, 5 की मौत, 5 महीने बाद इतने मामले, एक्टिव केस 4000 के पार, JN1 के कुल केसों की संख्या हो गई है 4000 के पार। 2024 में कार खरीदना होगा महंगा, जनवरी से मारुति समेत कई कंपनियों की कीमत में 2-3% का होगा बढ़ोतरी। विनेश फोगाट ने लौटाया अर्जुन और खेल का रत्न, कर्तव्य पथ पर रखे अवार्ड, पूनिया ने लिखी भावुक पोस्ट। दिल्ली के 20 से ज्यादा इलाकों में प्रभावित रहेगी जलापूर्ति, जल बोर्ड ने लोगों से किया है अपील। नए साल में 20,000 रुपया में करें विदेश यात्रा, 4 देशों में वीजा फ्री एंट्री हो गई है आज से शुरू, सस्ती फ्लाइट और होटल बुकिंग के तरीके दे रही है कंपनियां। टच स्क्रीन और AI फीचर से लैस स्मार्ट फ्रिज लाई है सैमसंग, फूड खराब होने से पहले भेजेगा नोटिफिकेशन, आपके पसंद की डिश भी बताएगा। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस साल 76,000 करोड़ रुपया बढ़ी, गौतम अडानी की संपत्ति 3,00,000 करोड़ खटी, एलोन मस्क 19,00,000 करोड़ की संपत्ति बढ़ी। सीहोर में RSS कार्यालय पर पथराव, बिजली बंद कर आधी रात को किया गया हमला। सोनिया गांधी अयोध्या जाएगी, थोड़ा सा पाप कम हो जाएगा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा का विवादित बयान। पवन कल्याण ने PM मोदी को लिखा पत्र, राज्य सरकार पर 35,000 करोड़ रुपए घोटाले का लगाया आरोप। मुंबई से असम जा रहे हैं प्लेन, बिहार के मोतिहारी पुल में नीचे फंसा, 2 घंटे नेशनल हाईवे रहा जाम। विपश्यना ध्यान केंद्र से वापस लौटे CM केजरीवाल, बोले इस साधना से मिलती है असीम शांति। PM मोदी का अयोध्या में भव्य स्वागत, रोड शो फुल बारिश हुई, शंखनाद संग गूंजे जय घोष। हमसे मुकाबला नहीं कर सकती US नेवी, अमेरिका ने साउथ चाइना सी में उतारी सबमरीन, तो बौखलाया चीन और कर दिया धमकी का ऐलान। कोरोना काल में मिली राहत ने बदली जिंदगी, लाखों रेहड़ी पटरी वालों को PM स्वनिधि से मिला है खुद का रोजगार, सरकार ने लोन दिया 10,000 रुपया। गाजा के बाद सीरिया के सैन्य ठिकाने पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, लेबनान के आतंकी हिजबुल्लाह के ठिकाने को किया गया ध्वस्त। झारखंड में देखते ही देखते धू धू कर जल गया 2 करोड़ रुपए के अधिक पाइप, मौके पर मची अफरा तफरी। गोवर्धन विलास पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी डेटिंग ऐप का धोखाधड़ी करने वालों को किया गया भंडाफोड़, कई लोग हुए गिरफ्तार। लोरियल की उत्तराधिकार, 100 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाली पहली महिला बनी। आज देश को मिलेगी अमृत भारत ट्रेन की सौगात, माता वैष्णो देवी दिल्ली समेत बेंगलोर कई रूटों पर दौड़ेगा रेल, पूरा शेड्यूल नॉनस्टॉप हुआ जारी। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना करने वालों के लिए खुशखबरी दे दिया, सरकार ने आज से 0.20% तक बढ़ाया ब्याज दर। अब काशी से रामलला के दर्शन होंगे आसान, अयोध्या की दूरी महज 25 मिनट में होगा पूरी, चलेगा अन्य फ्लाइट। रूस ने यूक्रेन पर किया सबसे बड़ा हवाई हमला, एक साथ दागे 158 मिसाइल ड्रोन, 12 लोगों का हो गया मृत्यु, दर्जनों लोग हो गए घायल। वाशिंगटन पोस्ट का दावा, हैकिंग की चेतावनी के देने बाद भी भारत सरकार ने एप्पल को बनाया निशाना। भारत ने कनाडाई गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को किया है आतंकी घोषित, रॉकेट हमले का था आरोपी। सर्वाधिक निवेशकों वाली राज्य में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पछाड़कर दूसरे स्थान हासिल किया, बिहार ने भी किया कमाल।
मुस्लिम देश हुए फेल, पीएम खत्म करवा सकते हैं इजराइल फिलिस्तीन की जंग, बोले इमाम बुखारी। अब महंगे दामों पर बिकेगा एथेनॉल, खरीदे जा रहे हैं यह तेल कंपनियां, प्रति लीटर 6.87 रुपए किया इजाफा। टीम इंडिया की बेटी ने रचा इतिहास, 50 ओवर में 420 रन ठोक मचाया धमाल, 322 रनों की रिकॉर्ड अंतर से जीता मैच। झारखंड में 652 लड़कियां और 743 लड़कियां एक साल से अधिक से है लापता, एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। राम मंदिर में लगने वाला है लगभग 623 किलो का घंटा नयाब, जिसे रामेश्वर खास बनाया जा रहा है, किया जा रहा तैयार। दीपिका पादुकोण बनी हुंडई ब्रांड की एम्बेसडर, शाहरुख हार्दिक पांड्या के बाद कंपनी का तीसरा आइकन, अपकमिंग मर्सिडीज एसयूवी क्रेटा फेस्टिव लॉन्च में करेगी दीपिका पादुकोण। नए साल में सरकार की बड़ी सौगात, सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर 0.2% बढ़ा, अब यह 8.2% 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 0.1% का मिलेगा फायदा। बिहार से झारखंड और कोलकाता के लिए चलेगी नई बसें, 11 शहरों के लिए 90 सिटी बसों की होगी खरीद, सरकार जल्द शुरू कर सकती है इलेक्ट्रिक बस। टेस्ला के जनवरी में भारत आने की हो सकती है घोषणा, सरकार ने पूरी कर ली है तैयारी, बंपर रोजगार का मिलेगा अवसर। झारखंड में सरना कोर्ट को लेकर भारत बंद की पूर्व संध्या का मशाल जुलूस निकाला, 15 करोड़ आदिवासियों की मांग धार्मिक पहचान। पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित, भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करने का किया लक्ष्य पूरा, बोले पीएम मोदी, नहीं टूटने दूंगा गरीबों का भरोसा। ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद पर से दिया इस्तीफा, नीतीश अब संभालेंगे इसकी कमान। अरब सागर में हालात गंभीर, जहाज हमले के बाद भारत अलर्ट, जमीन से आसमान तक पैनी नजर रखा जा रहा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, भारत को दोहरा झटका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिनी हार के बाद आईसीसी ने ठोका जुर्माना। क्रिकेट छोड़ राजनेता बने अंबाती रायडू, 2024 में नरेंद्र मोदी खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में इस साल 397 माओवादियों को किया गया गिरफ्तार, 26 ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस को मिला है बड़ा कामयाबी। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को लेकर एक और चौंकाने वाला आया खुलासा, पहली पत्नी से तलाक के चुकाए है 25 करोड़ रुपया। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ गई है परेशानी, आईएमडी ने जारी कर दिया है रेड अलर्ट। बिना नोटिस तोड़ा घर, गोगामेड़ी हत्या में बुलडोजर एक्शन पर शूटर रोहित की मां का आया दर्द सामने, बहन भी है हिरासत में। बम की अफवाह के बीच मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई है कड़ी सुरक्षा की जांच, लगातार बढ़ रहा है धमकी। दसवीं पास के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है भर्ती, 1,10,000 रुपए तक मिलेगा वेतन। बीपीएससी ने किया है बड़ी कार्रवाई, 3 अभ्यर्थियों को किया 5 साल के लिए बैन, 2 मीडिया हाउस को भेजा नोटिस, अभी अभी आयोग ने जारी किया लेटर। छोटे भाई के नाम सिम कार्ड निकाल कर भाइयों ने अपराधियों को बेचे, अब थाने में आने लगा नोटिस, जमानत के लिए मारा मारा फिर रहा पीड़ित। सुनो सबकी, करो दिल की, दलाई लामा का 3 दिवसीय प्रवचन बोधगया में शुरू, देश विदेश के हजारों अनुयायी पहुंच रहे हैं उनके दरबार। 130 किलोमीटर की स्पीड से यात्रियों को नहीं लगेगा कोई भी झटका, इस खास टेक्नोलॉजी से लैस है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। हिमाचल के पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग, 8,000 मुर्गे मुर्गियों को जिंदा जलने से हो गया मृत्यु। जेएनयू में हो रहा राम मंदिर का विरोध, बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने का उठा मांग। 6 से 10 रुपए लीटर सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, सरकार तेल कंपनियों से कर रही है बात, इलेक्शन को लेकर सरकार ले सकती है फैसला।